हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदांता लिमिटेड की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए कब तक आ सकता है। वेदांता लिमिटेड में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं इसके डिविडेंड के लिए। ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इस शेयर में अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। इस ईयर में ये शेयर 29% तक करेक्ट हो चुका है एंड लास्ट वन ईयर में ये शेयर 19% तक करेक्ट हो चुका है। मेटल सेक्टर की बाकी कंपनीज के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वेदांता लिमिटेड के शेयर में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसके अच्छे डिविडेंड यील्ड की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 23 के डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 5 times डिविडेंड्स पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। टोटल 101.5 रुपीस का डिविडेंड वेदांता लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 23 में पे किया है। और इस डिविडेंड से अगर हम कंपनी का डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो ये होता है अराउंड 45% का। सो सपोज आपने अगर इस स्टॉक में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 45 रुपीज तो आपको इस कंपनी में डिविडेंड के फॉर्म में ही मिल गए हैं। वेदांता के फाइनेंशियल ईयर 24 के डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें, इस ईयर में इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अभी तक कम रहा है बिकॉज कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है मई मंथ में 18.5 रुपीस पर शेयर का। 18.5 को अगर स्टॉक के करंट प्राइस से हम डिवाइड करके डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड आता है अराउंड 8.81% का फाइनेंशियल ईयर 24 का। सो अब यहां पर बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ये क्वेश्चन है कि वेदांता लिमिटेड की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदांता की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए कब तक आ सकता है, और ये हम जानेंगे वेदांता की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के थ्रू। हर कंपनी की एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, ऐसे ही वेदांता लिमिटेड की भी एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदांता की तरफ से कौन से सर्कमस्टेंसेज में डिविडेंड नहीं आएगा, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिन सिचुएशन में वेदांता की तरफ से डिविडेंड शेयर होल्डर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेदांता लिमिटेड अपनी रिटेन्ड अर्निंग को कैसे यूज करेगी, क्या वेदांता लिमिटेड अपनी रिटेन्ड अर्निंग को डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या उनको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करेगी। एंड लास्टली, इस वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि वेदांता की तरफ से डिविडेंड कब तक आ सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लाएं। वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेदांता की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, उसके बाद ही इस कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले टोटल 7 factors को कंसीडर करते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 7 factors। सबसे पहला फैक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले देखते हैं वो है कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट और कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देखते हैं कि कितनी कंपनी के पास प्रॉफिट है और कितने रिटेन्ड अर्निंग है, तभी इस कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। सेकेंड फैक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंसीडर करते हैं वो है कंपनी की कैश अवेलेबिलिटी। कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, उसी के बाद इस कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। थर्ड फैक्टर जो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंसीडर होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के हिसाब से, वो है कंपनी के डीलिवरेजिंग प्लान। कंपनी ने डीलिवरेजिंग का प्लान ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ है। कंपनी डीमर्जर करना चाहती है, अपने करंट बिजनेसेस को 5 verticals में डिवाइड करना चाहती है। उसके बाद वेदांता की टोटल 6 listed कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएंगी। सो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी के डीलिवरेजिंग प्लान को भी कंसीडर करते हैं। फोर्थ फैक्टर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंसीडर करते हैं वो है कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान देखते हैं, उसी के बाद कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले देखते हैं वो है कंटिंजेंसी प्लान्स। सिक्स्थ फैक्टर जो वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंसीडर करते हैं वो है वेदांता के फ्यूचर प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी। फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट्स के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले। एंड लास्टली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। ये फैक्टर है करंट बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस में क्या अनसर्टेनिटी चल रही है, इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है डिविडेंड डिक्लेरेशन करने से पहले। रेगुलेटरी एनवायरमेंट को भी कंसीडर किया जाता है और प्रिवेलिंग
एंड एक्सपेक्टेड कमोडिटी प्राइसेस को भी कंसिडर किया जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। सो ये वो 7 फैक्टर्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले वेदांता लिमिटेड में। जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेदांता लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। टोटल 4 फैक्टर्स वेदांता ने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में बताए हैं जिनकी वजह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगी। चलिए जानते हैं कौन से हैं ये फैक्टर्स। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड नहीं आएगा वो है नो प्रॉफिट। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में वेदांता लिमिटेड को कम प्रॉफिट हो या नो प्रॉफिट हो तो ऐसे सिचुएशन में वेदांता की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के हिसाब से कंपनी की डिविडेंड पेइंग एबिलिटी इफेक्ट होगी और कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। सेकेंड सिचुएशन जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड डिविडेंड पे नहीं करेगी वो है नेचुरल कैलामिटीज, स्ट्राइक, लॉकआउट या कोई डिस्टरबेंस या कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से वेदांता की प्रोडक्शन वॉल्यूम अफेक्ट हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी वेदांता लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड नहीं आएगा। थर्ड सिचुएशन जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड की तरफ से वेदांता की डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से डिविडेंड नहीं आएगा वो है प्राइसेस फॉल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वर्ल्ड ओवर कमोडिटी के प्राइसेस फॉल हो जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के प्रॉफिट्स भी अफेक्ट होंगे, कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे और ऐसे सिचुएशन में वेदांता लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड नहीं आएगा। एंड लास्टली फोर्थ सिचुएशन जिस सिचुएशन में वेदांता लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड नहीं आएगा वो है कि कभी कंपनी की लिक्विडिटी अगर जियोपार्टाइज हो जाए या कंपनी की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वेदांता के शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वेदांता की तरफ से कम डिविडेंड आएंगे। वेदांता अपनी रिटेन्ड अर्निंग को कैसे यूटिलाइज करती है? क्या कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग को बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज करेगी? तो इस पर वेदांता की डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से वेदांता लिमिटेड ने कहा है कि वेदांता अपनी रिटेन्ड अर्निंग को अगर बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज करेगी जो कि मेंशनड है उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, या फिर कंपनी उसको एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वेदांता लिमिटेड कितना डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है। इस डिविडेंड पे आउट पे वेदांता ने अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वेदांता को अपनी सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव होती है नेट ऑफ टैक्सेस उसको वेदांता लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सो वेदांता की डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से वेदांता को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपनी सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव होती है वो वेदांता लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देगी और ये इनकम वेदांता लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को विद इन 6 मंथ पास ऑन कर देगी। अब हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से लास्ट डिविडेंड आया था जुलाई मंथ में। सो जुलाई मंथ से विद इन 6 मंथ वेदांता की तरफ से डिविडेंड आ सकता है, ये मुझे लगता है वेदांता की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के हिसाब से। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाती है, बिकॉज ऐसा वेदांता की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में मेंशन है कि वेदांता को जो भी अपनी सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से डिविडेंड रिसीव होगा एक्सक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड जो कि वन टाइम होगा उसको वेदांता लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देगी विद इन 6 मंथ। कंपनी ने यह भी बताया है कि मिनिमम 30% ऑफ एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ऑफ द कंपनी उनको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को और इसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रॉफिट्स को भी कंपनी एक्सक्लूड करेगी। सो ये 2 पॉइंट्स हैं जो वेदांता लिमिटेड ने अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में बताए हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड पे आउट कितना होगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि वेदांता की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डिविडेंड जो कि जुलाई में आया था वेदांता ने अभी तक पास ऑन नहीं किया है। सो जुलाई से विद इन 6 मंथ यू कैन एक्सपेक्ट कि वेदांता लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड आ सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।